हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लॉकडाउन ई लर्निंग स्कूल ऑफ द रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर विस्टार्स बुक का एक स्टोरी द थर्ड लेवल करेंगे। स्टूडेंट, इस स्टोरी में चार्ली इज़ ए यंग मैन ऑफ 31। एक चार्ली नाम के करेक्टर है, जो इसका उम्र 31 साल बताया गया है। ही हैज सेवरल टाइम्स लॉस्ट हिमसेल्फ इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इस स्टोरी में स्टूडेंट एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दिखाया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, और चार्ली हमेशा उसमें अपने रास्ते भूल जाया करता है। ही साइकेट्रिक फ्रेंड सैम बिलीव्स दैट ही हैज़ बीन डे ड्रीमिंग, बट चार्ली डज नॉट बिलीव सो। चार्ली का एक साइकेट्रिक फ्रेंड है स्टूडेंट, जिनका नाम सैम है, वो उनका ऐसा मानना था कि चार्ली दिन में सपने देखता है, बट चार्ली डज नॉट बिलीव सो, लेकिन चार्ली ऐसा विश्वास नहीं करता है। सो स्टूडेंट, एज सुन एज दिस स्टोरी स्टार्ट वी फाइंड दैट चार्ली वॉज लेट एट हिज ऑफिस। जैसे ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि चार्ली अपने ऑफिस में काफ़ी लेट हो चुका है। ही वॉन्टेड टू रीच होम सून, वो अपने घर जल्द पहुँचना चाहता है। सो ही वेंट टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच ए ट्रेन। स्टूडेंट, इस स्टोरी में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दिखाया गया, जिसको के याद रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत ही बड़ा स्टेशन है, इट्स वेरी लार्ज इन एरिया, एंड चार्ली ऑफ एंड लॉस्ट हिज वेज। सो ही वेंट टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच ए ट्रेन। चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए। ही वॉकड ऑन टू द फर्स्ट लेवल एंड देन थ्रू द कॉरिडोर ही वॉकड एंड थॉट ही हैड रीच द सेकेंड लेवल अगेन, बट एक्चुअली ही हैड रीच द थर्ड लेवल। कॉरिडोर से होते हुए स्टूडेंट वो सेकेंड लेवल पर दोबारा पहुँच जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो थर्ड लेवल पर तीसरे तल्ले पे पहुंच जाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर द थर्ड लेवल के बारे में बताया गया। द थर्ड लेवल वाज इंटायरली एंड कम्प्लीटली डिफरेंट एंड ओल्ड फैशन्ड। अब तीसरा तल्ला पे जो चार्ली पहुँचते हैं और वहाँ से जो बाहर निकलते हैं, देखता है कि वो इंटायरली एंड कम्प्लीटली डिफरेंट था और ओल्ड फैशन था, काफ़ी पुराना सब चीज़ दिख रहा था। देयर वेयर फ्यूअर टिकट विंडोज़, बहुत कम टिकट विंडोज़ थे। द इंफॉर्मेशन बूथ वाज मेड ऑफ वुड, और वहाँ जो सूचना केंद्र था वो लकड़ी के बने हुए थे। द लाइट्स वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट, और जो लाइट जल रही थी वो ओपन फ्लेम थी, मतलब मशाल जल रहा था। स्टूडेंट मेन हैड बियर्ड्स, लोगों के दाढ़ी थे। वीमेन वोर ओल्ड फैशन्ड ड्रेसेस, औरतें पुराने कपड़े पहने हुए थे। एवरीथिंग लुक्ड ए सेंचुरी ओल्ड, सारा कुछ 100 साल पुराना दिख रहा था। देन चार्ली सॉ ए न्यूज़पेपर बॉय सेलिंग द न्यूज़पेपर, तभी चार्ली की नज़र पड़ती है एक न्यूज़पेपर बॉय पे, जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा होता। ऑन द फ्रंट पेज द लीड स्टोरी वाज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड एंड द डेट वाज प्रिंटेड ऑन June 11, 1894। और फ्रंट पेज पे जो स्टोरी थी, लीड स्टोरी थी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में था, और डेट जो वहाँ पे प्रिंट था स्टूडेंट वो 11 जून 1894 का डेट था। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट है कि चार्ली वांटेड टू गो टू गैल्सबर्ग। अब चार्ली को गैल्सबर्ग जाना था। एट द टिकट विंडो ही पेड द फेयर इन मॉडर्न नोट्स विच वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इन 1894। अब चार्ली टिकट विंडोज पे जाते हैं टिकट ख़रीदने के लिए। वहाँ पे जब वो मॉडर्न नोट्स देता है, अपने ज़माने का नोट्स देता है, तो जो कि 1894 के नोट से काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी भिन्न था, चूँकि चार्ली 100 साल बैक चला गया था, इसलिए वो 100 साल के बाद का नोट्स दे रहा था। द क्लर्क थॉट दैट नोट्स वेयर फेक एंड चार्ली वाज ट्राइंग टू चीट हिम। क्लर्क सोचता है कि नोट्स डुप्लीकेट है, फेक है, और चार्ली जो है कि उनको चीट करना चाह रहा। ही थ्रेटन टू गेट हिम अरेस्टेड, वो उसे डराता कि तुम्हें मैं अभी अरेस्ट करवा दूंगा। चार्ली इमीडिएटली टर्न अराउंड एंड फ्लेड एज फास्ट एज ही कुड। चार्ली फ़ौरन वहाँ से मुड़ता और जितना जल्द हो सकता वो वहाँ से भाग जाता। नेक्स्ट डे चार्ली बाउट ओल्ड स्टाइल नोट्स फ्रॉम ए कॉइन डीलर। दूसरे दिन चार्ली जाता है स्टूडेंट और ओल्ड पुराने ज़माने का वो नोट्स खरीदता, डॉलर खरीदता एक कॉइन डीलर से। ही गॉट ओनली 200 ओल्ड डॉलर्स फॉर 300 न्यू डॉलर्स, 300 न्यू डॉलर दे के उसको सिर्फ 200 ओल्ड डॉलर्स मिलता है। बट ही कुड नेवर अगेन फाइंड द कॉरिडोर विच टुक हिम टू द थर्ड लेवल। इस स्टोरी में लेकिन दिखाया गया स्टूडेंट कि लेकिन वो फिर वो कॉरिडोर वो गिलहरा उसे वो पैसेज फिर दोबारा कभी नहीं मिलता, जो उसे उस नई दुनिया में, उस 100 साल पुराने दुनिया में ले जाता है थर्ड लेवल के द्वारा।
सीन चेंज हो जाता है स्वर्ण यहाँ पे। फिर चार्लीज वाइफ वाज वरीड व्हेन शी हर्ड दैट ही हैड अबाउट ओल्ड स्टाइल नोट्स। चार्ली की जो वाइफ रहती है वो काफ़ी परेशान होती है जब उसे पता चलता है, जब वो सुनती है कि ही हैड अबाउट ओल्ड स्टाइल नोट्स, वो पुराना नोट्स लाया है। एट लास्ट चार्ली टर्न टू हिज स्टैम्प कलेक्शन एंड डिस्कवर्ड एन इन्वेलप ऑफ जुलाई 1894। ही ओपेंड द इन्वेलप और चार्ली अंत में श्वेंट वो स्टाम्प कलेक्शन में लग जाते हैं और एक दिन उसे एक इन्वेलप मिलता है जिस पे 18 जुलाई 1894 का डेट प्रिंट किया हुआ था श्वेंट। और जब वो इन्वेलप खोलता है ही गॉट ए लेटर रिटन बाई सैम, तो उसमें उसे एक लेटर मिलता है सैम के द्वारा लिखा गया। सैम जो उनका सिक्योरिटी फ्रेंड है हुम चार्ली हैड ऑफन टोल्ड अबाउट गैल्सबर्ग, जिसे चार्ली अक्सर बताया करता था गैल्सबर्ग के बारे में। ही हैड ऑलरेडी गॉन देयर, वो भी वहाँ जा चुका था। ही अर्ज चार्ली टू कंटिन्यू टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एंड ज्वाइन हिम इन द गैल्सबर्ग ऑफ 1894। वो चार्ली से कहते हैं कि टू कंटिन्यू टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल को तलाशते रहो और उसे 1894 के गैल्सबर्ग में आके मिलो। इट वॉज ए वंडरफुल प्लेस, वो काफ़ी वंडरफुल प्लेस है। तो ईश्वर दिस स्टोरी इज़ ए मिक्सचर ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी। ईश्वर यह स्टोरी जो है ये मिक्सचर है रियलिटी एंड फैंटेसी का। लॉजिकली नो वन कैन ट्रैवल बैक इन टू टाइम एक्सेप्ट इन वंस इमेजिनेशन। लॉजिकली स्टूडेंट नो वन कैन ट्रैवल बैक इन टू टाइम, कोई भी टाइम ट्रैवल नहीं करता, बट एक्सेप्ट इन वंस इमेजिनेशन, बट थ्रू द इमेजिनेशन आप सोच के स्टूडेंट आप 100 साल बैक जा सकते हैं। बट सैम एज वेल एज चार्ली हैव एक्सपीरियंस्ड इट, लेकिन इसमें स्टोरी में दिखाया गया कि सैम और चार्ली में इस चीज़ का अनुभव किया, वे लोग 100 साल पहले गए थे। सो स्टूडेंट दिस इज द स्टोरी द थर्ड लेवल, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड all the points and all the story student, it's a very simple story, isme time travel dikhaya gaya student, and this story is a mixture of reality and fantasy. So student jaise jaise is story ka points पॉइंट वाइज आगे हम लोग बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि इसमें पूछा जाएगा स्टूडेंट कि चार्ली कौन था, हु वाज चार्ली, तो हम लोग लिखेंगे कि चार्ली वाज ए यंग मैन, ही वाज 31 ईयर्स ओल्ड। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में पूछा जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज वेरी लार्ज इन एरिया एंड चार्ली ऑफन लॉस्ट हिज वेज, हु वाज चार्लीज फ्रेंड, तो सैम नाम है स्टूडेंट, सैम वाज चार्लीज फ्रेंड, सैम वाज ए साइकियाट्रिस्ट स्टूडेंट, इसको हम लोग याद रखेंगे। सो स्टूडेंट इस स्टोरी को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और ये यहाँ पे समराइज वे में शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव वे में ये सारा दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।